हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और सरिया गैंग के साथ लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली से चार लुटेरे घायल हो गए, जबकि दो लुटेरों को पुलिस ने कॉम्बिंग कर गिरफ्तार किया। लुटेरों के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध असलाह, इको गाड़ी, कैंटर गाड़ी, सैटरिंग का सामान भी बरामद हुआ। बुलंदशहर के खुर्जा, गुलावठी और बुलंदशहर कोतवाली देहात क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच आज तड़के मुठभेड़ हुई। दरअसल सरिया गैंग के सात सदस्य रेलवे फ्रेट कॉरिडोर के तीन चौकीदारों को बंधक बनाकर निर्माणाधीन रेलवे फ्लाईओवर से सैटरिंग का सामान लूटकर भाग रहे थे। इसी बीच उनका सामान स्वाट टीम और थाना कोतवाली देहात पुलिस से हो गया। मुठभेड़ के दौरान दो बदमाश मौके पर गिरफ्तार किए गए, जिनमें से एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। शेष बदमाश अलग अलग दिशाओं में भाग खड़े हुए। भागे बदमाशों के साथ खुर्जा नगर और गुलावठी पुलिस की अलग अलग स्थानों पर मुठभेड़ हुई और मौके से चार अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से भी तीन बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुए। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 15 लाख की कीमत लूटा हुआ लोहा, लूट के सामान से लोड कैंटर, इको कार, 5 तमंचे, 11 कारतूस और 5 खोखे भी बरामद किए। गिरफ्तार बदमाशों के नाम कृष्ण, नबी, अंसार, रामबाबू, आसिफ, सलमान बताए जा रहे हैं, जबकि कृष्ण, अंसार, आसिफ और सलमान पुलिस की गोली से घायल हुए। घायलों का अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। जनपद बुलंदशहर में आज रात लगभग 2 बजे के आसपास डायल 112 के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई कि लुटेरों के एक गिरोह ने तीन चौकीदारों को बंधक बनाकर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के अंतर्गत बाईपास रेलवे का जो बन रहा था वहां से सरिया लूट लिया है। इस सूचना पर कोतवाली देहात थाना पुलिस और स्वाट टीम बुलंदशहर ने एक साथ प्रयास किया। पहले प्रयास में एक मुठभेड़ हुई अपराधियों के साथ, जिसमें दो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए और क्रॉस फायरिंग में एक अपराधी के पैर में गोली लगी और उनकी कार अपराधियों की, जिसमें अपराधी थे, वो नीचे खाई में चली गई। ट्रक बरामद हुआ जिसमें 10 से 15 लाख के बीच का माल लोहा जो रेलवे का था वो बरामद हुआ है। बदमाश मौके से भागे। इसके बाद अन्य थाना क्षेत्रों में भी चेकिंग कराई गई। उसके तहत दो मुठभेड़ें हुई, एक खुर्जा नगर थाना क्षेत्र में जिसमें दोनों बदमाशों को गोली लगी, घायल हुए, गिरफ्तार किए गए। दूसरी मुठभेड़ गुलावटी थाना क्षेत्र में हुई जिसमें दो अपराधी थे, एक को गोली लगी, घायल हुआ और दूसरा गिरफ्तार किया गया। इस तरह इस 7 सदस्यीय गैंग के 6 सदस्य गिरफ्तार किए गए, जिनमें से 4 के पैरों में गोली लगी है। इनके कब्जे से लगभग 15 लाख रुपये मूल्य का लोहा बरामद हुआ है जो लूट से रिलेटेड है। रेलवे के एक कार इको बरामद हुई है जिसका उपयोग ये अपराधी इस दौरान कर रहे थे। और पूछताछ में इनके द्वारा जानकारी दी गई कि 17 से अधिक लूट की घटनाएं इन्होंने आसपास के जनपदों में लोहा सरिया लूट से रिलेटेड अब तक की हैं। और गैंग के बारे में और सदस्यों के बारे में जानकारी का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि गिरफ्तार हुए बदमाशों 17 सरिया लूट की घटना करना कबूल किया। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुए बदमाशों पर आखिर कितने और आपराधिक मामले दर्ज हैं। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज। टाइम 24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।